उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। उसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको बुक से ही मोस्टली बता दूँ अपने डायग्राम के बजाय, इसके बजाय यहाँ पे थोड़ी और डायग्राम अच्छी बनी हुई है, ठीक है। इसमें आपको याद होगा कि मैंने जब आपको पॉन्स पढ़ाया था तो मैंने उसको कहा था कि उसके अंदर हम दो पार्ट्स बनाते हैं, एक हम टेगमेंटम बनाते हैं और दूसरा आगे हम बनाते हैं बेजिलर बॉडी। सिंपल इसमें हमने क्या किया, इसमें टेगमेंटम एज इट इज रखा और जो बेजिलर बॉडी उसकी जगह हम एक न्यू नाम दे दी जिसको हम कहते हैं क्रस सेरेब्राई, ठीक है। और जो टेक्टम फिलहाल इसको छोड़ दें, मैं आपको फिर बताता हूँ। तो इसके हम किस बेसिस पे, उसमें हमने पॉन्स के अंदर हमने ऑन द बेसिस ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस हमने इसको मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड किया था। इसमें हम किस बेसिस पे करते हैं, इसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेकोसिएशन ऑफ द सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। ये आपको जो डेकोसिएशन सेंटर में नजर आ रही है ना, ये उसमें मीडियल लेमिनिस्कस था, इसमें जो सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल है उनकी डेकोसिएशन होती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल क्या चीज़ है, ठीक है। तो उसकी यहाँ पर डेकोसिएशन होती है उससे जो ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो बेसिकली हम इसको क्लासीफाई करते हैं वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंशिया निग्रा, ठीक है। सब्सटेंशिया निग्रा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, ये आपको ये वाला नजर आ रहा है, ये थोड़ा सा पिगमेंटेड डार्क स्ट्रक्चर होता है क्योंकि इसके अंदर मेलानिन पिगमेंट्स पाया जाता है इसके सेल्स के अंदर, ठीक है। इसके जो इंटीरियर आगे पार्ट है या फिर आप कह सकते हैं इसके जो वेंट्रल साइड पे पार्ट पाया जाता है उसको हम नाम देते हैं क्रस सेरेब्राई, और इसका जो हमारे पास पाया जाता है डार्सल या फिर पोस्टर साइड पे उसको हम कहते हैं टेगमेंटम, ठीक है। उसके अंदर हम बात करते हैं, अगर हम क्रस सेरेब्राई सबसे पहले बात करते हैं जो इंटीरियर पार्ट, उसमें क्या क्या चीज़ें नजर आ रही हैं। इंटीरियर पार्ट में आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया, जो सबसे उसके हमारे सबसे मीडियल पार्ट होता है इसको हम कहते हैं फ्रंटो, मतलब इनके अंदर डिफरेंट तरह के फाइबर्स पाए जाते हैं ना जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जो सबसे आपको ये पहले वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर। फ्रंटोपोन्टाइन का मतलब क्या है, जो कि फ्रंटल कॉर्टेक्स से पॉन्स तक आ रहे होते हैं, ठीक है। दिस इज द मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन है लेकिन इसके अंदर से फाइबर गुजर रही है, ये कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, ये इनमें जस्ट फाइबर है। जिस तरह के स्पाइनल कार्ड में व्हाइट मैटर था, इस तरह इसके अंदर भी होते हैं, ठीक है। तो ये फ्रंटोपोन्टाइन फाइबर है, यानी कि फ्रंटल पार्ट से आगे पोन्टाइन में। उसके बाद इसके लेटरल साइड पर ये दोनों यहाँ पर यहाँ से दोनों देखे जाए तो ये कॉर्टिको स्पाइनल और कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्स हैं, ठीक है। ये डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं कॉर्टिको स्पाइनल एंड द कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक। और सबसे अगर लेटरल साइड पर देखे जाए तो हमारे टेम्पोरोपोन्टाइन है, जो कि इसका 1/3 आप कह सकते हैं कि का सेरेब्राई होता है, ठीक है। और जो ये है ये 2/3 होता है, ठीक है। जो हमारे फ्रंटोपोन्टाइन एक छोटा सा सेंटर पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपने ट्रैक्स के बारे में बेसिकली पता चल गया कि सब्सटेंशिया निग्रा के आगे जो हमारे क्रस सेरेब्राई में क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके पोस्टर साइड पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके अंदर अगर बात करें तो सेंटर पे हमारे सबसे पहले ये क्रॉस होती है, डेगोसिएशन होती है किस चीज़ की, वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल की डेगोसिएशन हो रही है। उसके अलावा इससे पीछे एक चीज़ है, वही जो अबदी चीज़ है जो कि हमारे स्टार्ट हुई थी मॉड्यूलस से और अभी तक खत्म नहीं हो रही, वो है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। उसके बाद उसके पीछे हम बात करें तो ये हमारे आपको एक नज़र आएगी स्ट्रक्चर सेरेब्रल एक्विडक्ट। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। ये सिंपल अगर आप बात करें तो ये जो थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल कनेक्ट करने वाली केनाल होती है, ठीक है। उसके बाद जो हम इसके इर्द गिर्द स्ट्रक्चर होता है, ये ब्लैकिश की लाइन जो बना रही है, ये हमारा ग्रे मैटर है, ठीक है। ग्रे मैटर के सेंट्रल ग्रे मैटर, सेंट्रल ग्रे मैटर की खासियत ये होती है कि इससे जो पिछला पार्ट होता है, ठीक है, सेरेब्रल एक्विडक्ट सेंट्रल ग्रे मैटर, उसको हम टेक्टम कहते हैं, ठीक है। टेगमेंटम से भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं, टेक्टम कह देते हैं, ठीक है। टेक्टम के अंदर आपको दो रेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं सुपीरियर कोलिकुल इंफीरियर कोलिकुलस, क्योंकि हमने इंफीरियर कोलिकुलस लेवल पे कट किया ना, जब हम सुपीरियर के बारे में ऊपर कट करेंगे तो सुपीरियर नजर आएंगे, ठीक है। अभी इंफीरियर कोलिकुलस नजर आ रहे हैं, उसके अलावा ये छोटे छोटे आपको न्यूक्लिया एक नजर आ रहे हैं, न्यूक्लिया का हम नाम देते हैं मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। कि ट्राइजेमिनल नर्व के दो तरह के न्यूक्लियस होते थे, आपने पहले पढ़े थे, वो हमारे पास होते थे सेंसरी वगैरह और मोटर, यहाँ पे मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस है। और ये आपको एक न्यूक्लियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आ जाती है वो ये वाले न्यूक्लियस आ जाते हैं जो कि हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं ट्रॉक्सियल नर्व के, और ये आपस में मतलब डेक्यूसेट करके अपोजिट साइड पे मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये ट्रॉक्सियल ये अपने इंपॉर्टेंट है, ये ट्रॉक्सियल नर्व की जो होती है ये डेक्यूसेशन होती है इसी जगह पे, ठीक है। न्यूक्लियस से निकलती डेक्यूसेशन होती है, फिर आगे इस तरह मूव कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब जो है यहाँ पर रेटिकुलर फॉर्मेशन आपको नजर आ रही है ये वाली, ठीक है। रेटिकुलर फॉर्मेशन तकरीबन हर जगह पर ही पाई जाती है लेकिन इसमें अब थोड़ी होगी, ठीक है। दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ द मिड ब्रेन जब हमने इसको कट किया द लेवल ऑफ इन्फीरियर कोलिकुलस। अब अगर हम उसको सुपीरियर कोलिकुलस लेवल पर कट करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंसेज नजर, पहले तो मैं आपको बात करूँ सिमिलरिटीज क्या है। वैसे ही सबसेंशियल निग्रा है, वैसे ही हमारे पास क्रॉस सेरेब्राई है, वैसे ही हमारे पास जो है वो आर एस एस सेंटर पर सेरेब्रल एक्विडक्ट है, उसके स्ट्रक्चर वैसे ही था। उसके अलावा हमारे पास जो साथ में आगे आ जाता है सेंट्रल के मैटर वैसे ही था, लेकिन यहाँ पे आपने चीज़ नोट करनी है कि उसके अंदर ट्रॉक्लियर नर्व की फाइबर थे, इसके अंदर ट्रॉक्लियर नर्व नहीं है, अब इसके अंदर ओक्यूलो मोटर नर्व आ गया। मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ट्रॉक्लियर नर्व नीचे होती है, ओक्यूलो मोटर नर्व ऊपर होती है और आगे मीडियल साइड पर मूव कर रही है, ठीक है। ओक्यूलो मोटर नर्व ये आगे मूव कर रही है थ्रू क्रॉसिंग द रेड न्यूक्लियस, ठीक है। इसको हम रेड न्यूक्लियस का नाम देते हैं। बाकी अगर देखा जाए वो सुपीरियर कोलिकुलस आपको नजर आया, ये आपको वही जिस तरह के उसके अंदर एक पड़ा हुआ था ना बैंड नुमा चीज़, इसके अंदर भी है। इस बैंड के अंदर क्या फर्क होता है इसमें और उस बैंड में, जो ऊपर वाला बैंड था उसके अंदर हमारे पास
मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस, लेटरल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, चार तरह के लेमिनिस्कस इसके अंदर पाए जाते थे। लेकिन नीचे वाले में यहाँ पे देखिए ट्राइजेमिनल भी है, स्पाइनल भी है, मीडियल भी है, लेकिन इसके अंदर लेटरल लेमिनिस्कस नहीं पाया जाता। उसके अलावा ये रेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। रेड न्यूक्लियस की खासियत क्या होती है, वो मतलब इनके थोड़ी करेक्टरिस्टिक मैं आपको फिर नेक्स्ट बताता हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये जो आपको फाइबर नजर आए ये रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं, ये लिखा भी हुआ है, ठीक है। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्स के फाइबर होते हैं ये, उसी तरह हमारे वही आगे पुरानी चीज़ मीडियल आगे चीज़ फेसिकुलस आ गया। उसके बाद तकरीबन इसमें जितनी चीज़ें थी मैंने आपको मोस्टली सारी बता दी हैं। अब ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सुपीरियर कॉलिकुलस और रेड न्यूक्लियस, ठीक है, कि उनके ऑफरेंट्स हैं और एफरेंट्स क्या हैं। जो सुपीरियर कॉलिकुलस होता है उसका तल्लुक मैंने आपको बताया था बेसिकल होता है विद विजुअल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। तो विजुअल रिफ्लेक्सेस में क्या है, इसमें इसके ऑफरेंट्स कौन से होते हैं, एक तो हमारे विजुअल नर्व होगी ना कि जो इसको फाइबर लेके आ रही है, एक विजुअल नर्व होगी, उसके अलावा विजुअल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, और स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखा मिल भी जाएगा शायद कहीं पे, हाँ, ये विजुअल कॉर्टेक्स, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट और साथ में हमारे पास विजुअल नर्व होती है, ठीक है, या फिर ऑप्टिक नर्व भी कहते हैं जिसको, ठीक है। ये तीन इसके ऑफरेंट्स और इसके एफरेंट्स क्या हैं, एफरेंट्स इसके होते हैं हमारे तीन चीज़ें आपने याद रखने कि इसका जो बेसिकली ऑफरेंट होता है, सॉरी एफरेंट होता है, वो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट होता है, ठीक है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली इसका ऑफरेंट होता है, ठीक है। अब इसमें आप नेक्स्ट अपने को चीज़ याद रखनी है कि पार्थवे कैसा होता है, कहाँ से रिफ्लेक्सेस आते हैं और कैसे जाते हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि यहाँ से रिफ्लेक्सेस आए वो सुपीरियर कॉलिकुलस में नहीं जाते, बल्कि इसके साथ में यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम कहते हैं प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस में आते हैं, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से फिर आगे वो जाते हैं, मूव करते हैं टू द ओक्यूलो मोटर के न्यूक्लियस, या ओक्यूलो मोटर न्यूक्लियस, ओक्यूलो मोटर से फिर आगे वो मूव करते हैं, ठीक है। एंड दिस पाथ इज द पैरासिमेथेटिक पाथ, ठीक है। तो ये पाथ वे इसका होता है मूवमेंट का, ठीक है। तो इसमें ऑफरेंट बताया, एफरेंट बताया, ये हो गया, ठीक है। तो दो चीज़ें मेनली जो ये थी। उसके बाद रेड न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है, रेड न्यूक्लियस पे रेड क्यों होता है, तो इसके अंदर वास्कुलरिटी बहुत ज़्यादा होती है इस वजह से, और इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है आयरन कंटेनिंग, और आयरन के बारे में आपको पता है कि आयरन जो है वो रेड इन कलर होता है इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ बतानी चाहिए कि रेड वाले न्यूक्लियस के ऑफरेंट और एफरेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो ऑफरेंट के अगर बारे में देखा जाए तो इसके चार ऑफरेंट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले याद रखने के सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से ट्रैक्ट आ रहे थे थ्रू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। दूसरा हमारे इसके अंदर सेरिबेलम, ठीक है, कॉर्टेक्स भी सेरिबेलम भी, दोनों से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू उसके सेरिबेलम से स्पीडर सेरिबेलर पेडेंकल के थ्रू, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि रेड न्यूक्लियस की ऑफरेंट्स में एक सेरिब्रम आता है जिसके थ्रू ट्रैक्स आते हैं, जिसके ट्रैक्स आते हैं थ्रू द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। दूसरा हमारे साथ आता है सेरिबेलम जिसके आते हैं थ्रू द सुपीरियर सेरिबेलर पेडेंकल। उसके बाद हमारे इसके अंदर हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस आ जाते हैं, हाइपोथैलेमस के और साथ में मतलब बहुत से न्यूक्लियस है ना, लेंटीफॉर्म जो कि थैलेमस में होता है, सब थैलेमिक, हाइपोथैलेमिक, उसके बाद सबस्टेंशिया निग्रा, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबस्टेंशिया निग्रा इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद एफरेंट नर्व्स आते हैं, एफरेंट नर्व में क्या क्या चीज़ें आती हैं, एक बार उसको कहते हैं कि रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, आपको बताइए रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट, रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट के बारे में आपको अभी बताया कि इसके यहाँ पर सेंटर पर डेकोरेशन इसकी हो रही होती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना कि रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट की डेकोरेशन कहाँ पर होती है, लेवल ऑफ द मिड ब्रेन यहाँ पर डेकोरेशन हो रही होती है, ठीक है। मिड ब्रेन में आपको मैंने अभी यहाँ पर दिखाया था, ये मिड ब्रेन में हो रही होती है डेकोरेशन, ठीक है, और वो इसी के अंदर रेड न्यूक्लियस के अंदर ही जा रहा होता है, ठीक है। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू उसमें क्या क्या होता है, एफरेंट कौन कौन सी जा रही होती है, एक तो जा रही होती है टू द स्पाइनल ट्रैक्ट, दूसरे टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, याद रखने इसके थ्रू रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, ये आपने याद रखना कि रूब्रो स्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू दो जगह पे इसकी एफरेंट्स जा रही होती हैं, एक मरज जा रही होती है टू द स्पाइनल कॉर्ड, दूसरी जा रही होती है टू द रेटिकुलर फॉर्मेशन, उसके अलावा थैलेमस में और सबस्टेंशिया निग्रा। सबस्टेंशिया निग्रा मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट, इससे भी जैसे इंपॉर्टेंट है कि ऑफरेंट और एफरेंट्स दोनों से जा रही हैं, यानी कि कुछ ऑफरेंट्स में आ रही हैं, कुछ एफरेंट आ रही है सबस्टेंशिया निग्रा के अंदर, ठीक है। सबस्टेंशिया निग्रा जो आपको याद होगा कि एक ग्रे सा पार्ट होता है आगे जो पाया जाता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर जितनी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एंड थैंक यू।